नमस्कार एमपी अब तक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हमारे इस खास बुलेटिन में हम अब तक की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे देवास की खबर के साथ, जहां स्टेशन रोड स्थित कब्रिस्तान और मरघट के रास्ते का विवाद गरमा रहा है। हिंदुओं के घर के पास से रास्ता निकाले जाने को लेकर हिंदुओं ने घर बेचने के पोस्टर लगा दिए और हनुमान जी का चित्र लगाकर महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। इस बीच देवास सांसद ने कहा कि सकारात्मक हल निकलना चाहिए, जरूरत पड़ने पर सीएम को भी अवगत कराया जाएगा। इधर कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अब घर बेचने की तस्वीर जो है लगा दी गई है। हिंदू घरों के पास जिस तरीके से कब्रिस्तान और मरघट रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, अब इसी मामले पर देवास के सांसद का यह कहना है कि सकारात्मक रास्ता निकालेंगे। कि हिंदुओं ने वहां पर मकान बेचने से संबंधित कुछ पोस्टर लगाए हैं, उस पूरे विषय को समझने के बाद मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के साथ है। इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। मैं स्वयं उस मामले का अध्ययन करने के पश्चात जिला प्रशासन से बात करूंगा, आवश्यकता लगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से। तो हनुमान जी का चित्र लेकर धरने पर महिलाएं बैठ गई हैं, बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जुटे हैं। कब्रिस्तान और मरघट रास्ते का ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। देवास सांसद तो ये कहते हुए नजर आए कि इस मामले पर सकारात्मक रास्ता निकालेंगे, अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सवाल यही कि रास्ता कब तक निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है और इस दौरान कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि राम यात्रा के जरिए सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करवाने पर जोर रहेगा। राम का मंदिर बना, स्वागत भी है, सरकार भी और खुशी भी है। ये कांग्रेस पार्टी ने अब नहीं कहा, ये हमेशा कहा कि कोर्ट के आदेश पे जो होगा वो स्वीकार्य है और वो हुआ उसकी खुशी है। जब कोर्ट ने आदेश किया था हमें मंदिर के ताले खुलवाने का, वो खुले थे। राम का मंदिर बना, राम यात्रा भी होगी, दर्शन भी होंगे, पर राम के भक्तों का क्या होगा? ये महंगाई सर चढ़ के बोल रही, इसका क्या होगा? राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे महंगाई कम करो। राम यात्रा के जरिए हर घर से एक बच्चा बेरोजगार है, ये सरकार को भगवान राम की दर्शन करते हुए याद दिलाएंगे कि इन बेरोजगारों का, बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। तो उधर कांग्रेस की राम यात्रा पर बीजेपी ने तंज कस दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी को पहले दिग्विजय सिंह और सोनिया राहुल से पूछताछ करनी चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था और वो रुख हर किसी ने देखा। दिग्विजय सिंह से पूछ ले पहले, वो तो कमलनाथ जी तो गए तो वो भी, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए पहले, उनको ये कमिट कर लें कि सोनिया जी राहुल जी ने ओके किया है कि नहीं किया है, नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो तब कहाँ गए थे वो? तो ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं इन्हें तो सोचना चाहिए, दोहरा चरित्र तो न रखें। पहले उनकी पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, उनकी पार्टी चाहती क्या है, तब आगे बढ़ो। दोहरा चरित्र तो मध्य प्रदेश की जनता ने क्या देश ने देखा है और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। जबलपुर में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ओबीसी आरक्षण पर बयान दे दिया। उनका कहना था कि ओबीसी आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं है। खास बात तो यह है कि नारायण कुशवाहा एमपी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी है और उन्होंने ये बड़ी बात कह दी है। ओबीसी आरक्षण पर मंत्री ने बयान दिया और कहा कि ओबीसी आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं है। और
तो कोई मुद्दा ही नहीं है 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मसला न्यायालयीन कार्रवाई में उलझा हुआ है भाई साहब। कोई नहीं है इसमें, कोई मुद्दा ही नहीं है 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मसला न्यायालयीन कार्रवाई में उलझा हुआ है भाई साहब। कोई नहीं है इसमें, कोई मुद्दा ही नहीं है 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मसला न्यायालयीन कार्रवाई में उलझा हुआ है भाई साहब। कोई नहीं है इसमें, कोई मुद्दा ही नहीं है 27। सुना आपने, उन्हें कहा कि कोई मुद्दा ही नहीं है। उधर मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि ओबीसी वोट बैंक के जरिए बीजेपी सत्ता में आई है, लेकिन अब ओबीसी आरक्षण अब मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस ने सरकार से बयान पर सफाई की भी मांग की है। कि अब आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसका लाभ लेकर माननीय मंत्री जी इन दिनों सत्ता के साकेत में विचरण कर रहे हैं। जब सड़क पर रहते हैं, चुनाव में वोटों की फसल काटनी होती तो आरक्षण के पक्षधर बन जाते हैं। और यदि आरक्षण उनकी निगाह में कोई मुद्दा नहीं है, तो नारायण कुशवाहा साहब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो एक मंत्री हैं। मंत्री की कही गई बात सरकार की आवाज़ होती है, लिहाजा आरक्षण का लाभ लेकर मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव जी को स्पष्ट करना चाहिए कि मंत्री जी का कथन उनका निजी है या सरकार का निर्णय। तो वहीं 25 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह लगभग 2.5 घंटे शहर में रहेंगे। वो एक होटल में ग्वालियर चंबल क्लस्टर की लोकसभा बैठक और भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रबंध समिति की बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के शहर में रहने के दौरान शहर हाई सिक्योरिटी जोन में रहेगा और 1500 जवान अफसर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। उनके आगमन को लेकर सभी तरह की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसी के साथ समझा जा सकता है कि बीजेपी फुल ऑन इलेक्शन मोड में आ गई है और चाणक्य को भी यहां पर बुला दिया गया है ताकि रणनीति बनाई जाए। आगे बढ़ेंगे और ग्वालियर की बात करेंगे। कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। अमित शाह के दौरे से पहले ग्वालियर ग्रामीण के कई सरपंच बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 100 से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन लोगों को नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब यहां पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के कई चेहरों को बीजेपी में शामिल करवाया। तो ग्वालियर में अमित शाह के दौरे से पहले ग्रामीण के कई सरपंच बीजेपी में शामिल हुए। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। हालांकि जब छिंदवाड़ा गए थे डॉक्टर मोहन यादव, तब भी कई ऐसे चेहरे कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए और ऐसे में बीजेपी का ये ज्वाइनिंग अभियान लगातार चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया गया। सिपाही भर्ती परीक्षा 6 महीने के भीतर दोबारा आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। गोपनीयता भंग करने वाले एसटीएफ की रडार पर रहेंगे। वहीं इस मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जो यूपी की सीमा है, इनसे सटे एमपी के युवाओं ने भी इस परीक्षा में हिस्सा लिया था और यूपी के सीएम के फैसले से वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। खुशी का ठिकाना नहीं, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी परीक्षार्थी हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनके चेहरे खिल उठे हैं। तो वही श्योपुर से खबर है जहां महिलाओं ने पार्षद को चप्पल से पीटा।